दोस्तों आज हम सीएनजी सेटिंग कैसे करते हैं इस बारे में आप लोगों को बताने वाला हूं। दोस्तों एकदम इजी है सीएनजी सेटिंग करना, कुछ हार्ड नहीं है, एक बार सिर्फ समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, सीएनजी सेटिंग के लिए एक पाना की ज़रूरत पड़ती है, वो आपको दिखा रहा हूँ। वो पाना देख लीजिए, ऐसा है, एलंकी पाना है। अब आपको बता दूँ दोस्तों, सीएनजी सेटिंग के लिए सबसे पहले जानने की ज़रूरत है सीएनजी किट के बारे में। सीएनजी किट कहाँ पर रहती है, कैसे काम करती है, उसमें कितने सेटिंग बोल्ट हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, सीएनजी किट आपको दिखा रहा हूँ कहाँ पर है, उसके अंदर दो सेटिंग बोल्ट हैं। ये देखिए सीएनजी किट, सीएनजी किट दोस्तों, ये है दोस्त सीएनजी किट, सीएनजी किट है ये। इसमें एक सेटिंग बोल्ट यहाँ पर है, इसके अंदर है, इसके अंदर भी यही पाना लगता है, और इस तरह से लगता है ये ऐसा, और इस तरह से भी लगता है, दोनों तरफ से लगता है यही पाना। दूसरा इसमें सेटिंग बोल्ट है, देखिए यहाँ पर भी यही पागेगा, इस तरफ से भी लगेगा ऐसे, और इस तरफ से भी लगेगा ऐसे। अब आपको जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे आप इसको लगा सकते हैं। यह बोल्ट जो है सेटिंग बोल्ट, ये सिर्फ पिकअप के लिए होता है। गाड़ी एकदम रेस करके एक्सीलेटर फुल पकड़ के तब इसे सेटिंग किया जाता है। पाना को ऐसे लगा दीजिए, गाड़ी स्टार्ट करके फुल रेस कर दीजिए, फुल रेस करके पाना को थोड़ा ऊपर या नीचे की तरफ घुमाइए, जिस तरफ रेस बढ़ता है उस तरफ घुमाइए, और तब तक घुमाइए, बहुत आहिस्ता घुमाना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं घुमाना है, धीरे धीरे घुमाते रहना है अगर रेस हो रही है तो। अगर ऐसा रेस नहीं हो रही है तो इस जिस पोजीशन से ले गए थे उसी पोजीशन पे लाके छोड़ देना है, उसी पे छोड़ देना है। इस तरफ घुमाइए, अगर इस तरफ रेस हो रही है तो इस तरफ घुमाइए, और उसके बाद में आगे जाके रेस जहाँ से स्लो होने लगे उसी पे रोक दीजिए, और रेस फुल जहाँ था वहाँ पे लाके रख दीजिए। अब इसका सेटिंग का काम हो गया है, इसको अब कुछ नहीं करना है, पाना यहाँ से निकाल लीजिए। अब दूसरा नंबर जो सेटिंग है, दूसरा ए वाला, इस सेटिंग के बारे में बता दूँ आपको। ऐसा पाना लगाते हैं, इसमें पाना लग गया, अब इसको हल्का सा ऊपर की तरफ या पीछे की तरफ घुमाइए, आगे या पीछे। आगे घुमाएंगे तो स्लो होगी, पीछे घुमाएंगे तो फास्ट होगा इंजन। स्लो और फास्ट के बीच में रखना है, स्लो फास्ट के बीच में रख के हल्का सा इसको स्लो कर देना है। हल्का सा स्लो कर देंगे तो गाड़ी एक सेल्फ में स्टार्ट होगी। अच्छा, थोड़ा सा स्लो रखने के बाद में आपको मैं तीसरा सेटिंग बता रहा हूँ, वो कार्बोरेटर में। दोस्तों यहाँ पर है कार्बोरेटर का ये है सेटिंग। कार्बोरेटर के अंदर ये सेटिंग बोल्ट है, इसको कुछ पाना वाना की ज़रूरत नहीं है। इसमें पाना कोई भी पाना नहीं है, हाथ से ही होता है, उंगली से ऐसा घुमा दीजिए, आगे करोगे रेस होगा, पीछे करोगे तो स्लो होगा। इसमें भी और उसमें भी, किट में और इसका, दोनों का सेम ही है। इसको आगे किए तो रेस होगा, किट वाला बोल्ट अगर रेस की तरफ घुमाओगे तो गाड़ी एक दो सेल्फ लेगी, सेल्फ या लंबा लेगी, और किट वाला अगर स्लो रखोगे तो एक सेल्फ में स्टार्ट होगी, और कार्बोरेटर से थोड़ा सा रेस कर देना है। अब आपका इंजन का जो फायरिंग है एकदम स्मूथ हो गया है, यही है सेटिंग दोस्त।